Good morning, students. Let's start again with the nature and significance of the management. Last topic of this chapter, coordination. Clear? In coordination, there are three topics. First of all, we will discuss that coordination is the essence of management. Then we will discuss characteristics, and then we will discuss importance of coordination. Clear? तो सबसे फर्स्ट वन कोऑर्डिनेशन मींस क्या है, मीनिंग क्या है. अगर बात करें, मान लो ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं. जस्ट लाइक मैंने बात की प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस, परचेज एक्सेट्रा. ये सारे डिपार्टमेंट्स क्यों काम करें? दे ऑल आर वर्किंग फॉर अचीविंग द कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्यों काम कर रहे हैं? अल्टीमेटली उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है. क्लियर? अगर मैं देखती हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम कर रहा है, परचेज अपने हिसाब से, प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, तो इन दिस सिचुएशन तो ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल अचीव करने की जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो कम हो जाएगी. क्लियर? तो यहां मैनेजमेंट का रोल आता है. मैनेजमेंट का रोल क्या आता है कि मैनेजमेंट शुड कोऑर्डिनेट, या हम लोग बोल सकते हैं दिस इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन. और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को, सिंक्रोनाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन. क्लियर? तो एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी क्वेश्चन आएगा बच्चे जो गलती करते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछा जाता है, मेनी टाइम्स दे आर राइटिंग कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, नॉट द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट पे ध्यान करो क्या क्या आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. दीज आर द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, एंड कोऑर्डिनेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट, जो हमको चाहिए वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. क्लियर? सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज इन दी ऑर्गेनाइजेशन. जो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. जब तक वो मिलके हार्मनी में काम नहीं करेंगे तब तक ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो पाएगा. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट फॉर ऑल दी एक्टिविटीज. क्लियर? नाउ एक ही क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो इसके पीछे हमारी बुक में भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं. लॉजिक है कि व्हाई कोऑर्डिनेशन इज नोन एज एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट. तो सबसे फर्स्ट लॉजिक है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. कोऑर्डिनेशन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, मीन्स टॉप, मिडल एंड लोअर मैनेजमेंट. क्लियर? मिडल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा? विद मिडल मैनेजमेंट. मिडल मैनेजमेंट किससे करेगा? टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट. लोअर मैनेजमेंट किससे करेगा? मिडल मैनेजमेंट एंड दी वर्कर्स. तो इन सबको क्या करना पड़ेगा? आपस में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस पॉलिसीज एंड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. क्लियर? सेकेंड इन्होंने बोला परवेसिव, वो हम बार बार पढ़ के आ रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए इन्होंने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पॉइंट ये करे कि कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है किसके लिए? प्लानिंग में भी. आज मान लो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग ने प्लानिंग करी, हम लोग इतना करोड़ का प्रॉफिट अर्न करेंगे, उसके लिए इतना प्रोडक्शन करेंगे, बट वी हैव नॉट कंसल्टेड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. हमने उनसे कोऑर्डिनेट नहीं किया, हम लोगों ने फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले से नहीं पूछा, हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले से नहीं पूछा, एंड एट द टॉप लेवल वी हैव टेकन द डिसीजन.
हम लोगों ने डिसीजन ले लिया क्या इफेक्ट होने वाला है उसका, हमने तो अपना गोल डिसाइड कर दिया, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहेगा इट इज नॉट पॉसिबल, हमारी कैपेसिटी नहीं है इतनी, परचेज फाइनेंस डिपार्टमेंट इतना फाइनेंस अवेलेबल नहीं, तो मे बी कि वो चीजें हमारी इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, तो हमको क्या रिक्वायर्ड है, प्लानिंग स्टेज पे भी रिक्वायर्ड है, फिर हम डायरेक्टिंग की बात करें, हमको मोटिवेशन का प्रोसेस यूज करना है, हमको कम्युनिकेशन का प्रोसेस यूज करना है, हमको सुपरविजन करना है, हमको लीडरशिप, एवरीथिंग रिक्वायर्ड, हम लोग का कोऑर्डिनेशन, इन द सेम वे कंट्रोलिंग आप अकेले थोड़ी कर लोगे, कंट्रोलिंग करने के लिए भी वेरियस एक्टिविटीज के साथ, जब तक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन वाला ये रिपोर्ट नहीं देगा क्या हम लोग का डिफरेंसेस है, दूसरा डिपार्टमेंट वाला रीजन नहीं बताएगा, जब तक एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट नहीं होंगी हम कंट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे, फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फंक्शंस कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, क्लियर। तो परवेसिव में फिर इसके आगे इन्होंने यही दिया हुआ है, इट इज रिक्वायर्ड विद प्लानिंग, इट इज रिक्वायर्ड विद ऑर्गेनाइजिंग, इट इज रिक्वायर्ड विद डायरेक्टिंग एंड इट इज रिक्वायर्ड विद कंट्रोलिंग, क्लियर। तो ये हम लोगों का हुआ कि क्यों अगर कल को आपका क्वेश्चन आ जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज द असेंस ऑफ मैनेजमेंट, वन मार्क में पूछा जाता है कि विच कंसेप्ट इज रिलेटेड विद असेंस ऑफ द मैनेजमेंट, व्हाट इज नो कॉल्ड इज असेंस ऑफ द मैनेजमेंट, तो कोऑर्डिनेशन इज द असेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजमेंट परवेसिव सारे फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड, क्लियर। सेकेंड वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में फर्स्ट दे आर सेइंग कि इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, वही मैंने आपको बात की, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं अपने अपने डिजायर्स लेके आते हैं, उन सबके एफर्ट्स को हमको क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करके और किस डायरेक्शन में फ्लो बैठाना पड़ता है जहां से हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाए, क्लियर। कंटिन्यूस प्रोसेस मीन्स हम लोग का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, सब चीजों के लिए ये कंटिन्यूअस पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहता है, कोऑर्डिनेट आपको करना पड़ेगा वेरियस फंक्शंस, वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस डिपार्टमेंट्स, वेरियस लेवल ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन में, ओनली देन यू कैन अचीव दी रिजल्ट, यूनाइट दी एफर्ट्स। अगेन फिर वही चीज आ रही है कि ऐसा ना हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स अपने अपने हिसाब से काम करते रहे या इंडिविजुअल्स अपने हिसाब से काम करते रहे, हेयर कम द रोल ऑफ मैनेजमेंट टू कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटीज और एक्टिविटीज ऑफ द पर्सन जिससे वो एक ही डायरेक्शन में काम करे, दैट डायरेक्शन इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, क्लियर। फिर हम लोगों ने कहा इट्स अ डेलिब्रेट फंक्शन, कोई क्या होता है कुछ चीजें तो हम लोग के रूल्स बन जाते हैं, पॉलिसीज बन जाते हैं कि ये काम करना ही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग कोई रूल्स या पॉलिसीज नहीं बना सकते, वो तो हम लोग का क्या है डेलिब्रेट फंक्शन है। फंक्शन मींस कि फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो फंक्शंस हमारे क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लेकिन कोऑर्डिनेशन कोई अलग से स्पेसिफाइड ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, वो तो हमको डेलिब्रेटली मींस कि अपने आप से ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको परफॉर्म करना ही है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फंक्शंस। तो सब मैनेजर्स को अपने आप करना है। फिर अगेन दो पॉइंट इन्होंने कॉमन दिए कि परवेसिव है एंड ऑल मैनेजर्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। थर्ड वन इंपॉर्टेंस, इन्होंने बोला कि कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है उसमें इन्होंने सबसे फर्स्ट दे आर सेइंग कि ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, क्या होता है कि छोटे लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, 5-7 एम्प्लॉयज है, कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज होंगे, एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी, डिपार्टमेंट्स इंक्रीज होंगे, तब फिर क्या हो जाता है, ज्यादा जरूरी हो जाता है टू कोऑर्डिनेट, टू सिंक्रोनाइज, टू क्रिएट हार्मनी इन देयर एक्टिविटीज और एक्शंस। तो ग्रोथ के टाइम पे हम लोगों के लिए कोऑर्डिनेशन का काम करना बहुत जरूरी है। सेकेंड वन दे आर सेइंग फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन, फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन बहुत सारे मैंने आपको बताया ना, फंक्शंस परफॉर्म करने, प्रोडक्शन भी करना है, सेल भी करना है, परचेज भी करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना है, फाइनेंस का भी फंक्शन परफॉर्म करना है, ये सारी एक्टिविटीज एक तरफ को देखेंगे तो सब इंडिविजुअल है, और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि अल्टीमेटली व्हाई दे आर वर्किंग, व्हाई दे आर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन अलग अलग फंक्शन है,
लेकिन अलग अलग फंक्शन होने के बाद भी ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है. ऑल दीज फंक्शंस आर इंटरडिपेंडेंट. और जब ये फंक्शंस इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो फिर इनमें क्या करना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन. क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा वेरियस फंक्शंस में, देन वी विल नॉट बी एबल टू अचीव द गोल. क्लियर. एंड थर्ड वन इज स्पेशलाइजेशन. देखो क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक तो उनका परमानेंट स्ट्रक्चर होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, मैनेजर्स, देन मैनेजर्स के नीचे सुपरवाइजर्स, देन वर्कर्स. तो इस तरीके से पूरा एक हम लोग का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है. बीच बीच में जैसे मान लो मेरे को कभी लग रहा है कि मेरे को क्वालिटी चेक करनी है प्रोडक्शन की, तो मैं क्या करती हूँ, कई बार बाहर से कुछ स्पेशलिस्ट को मैंने अपॉइंट कर दिया. स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया, उन लोगों की और जो मैनेजर्स हैं उन लोगों की भी क्या होगा, क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है. तो क्या होता है कि एक उनके आपस में कई बार ईगो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. दोनों अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं ज्यादा एक्सपर्ट, वो सोचता है मैं ज्यादा एक्सपर्ट. तो इस चक्कर में दोनों के लिए, दोनों के बीच में क्या हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में व्हेन वी आर अपॉइंटिंग स्पेशलिस्ट, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा उनके बीच की एक्टिविटीज को, उनको उनके लिए आपस में हार्मोनियस रिलेशनशिप एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन करवाना पड़ेगा, तब हमारे लिए कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्लियर हम लोग का. एक बार दोबारा देखते हैं, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर. कोऑर्डिनेशन इज अ सेंस ऑफ द मैनेजमेंट. सबसे फर्स्ट वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, टॉप, मिडिल एंड बॉटम. परवेसिव है, सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है, मे बी प्लानिंग, मे बी ऑर्गेनाइजिंग, मे बी कंट्रोलिंग, मे बी डायरेक्टिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, यूनाइट करता है डायरेक्शंस का फ्लो. देन फिर हम लोग का डेलिब्रेट है, कोई जबरदस्ती नहीं है, करना ही पड़ेगा. क्लियर. एंड परवेसिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दी मैनेजर्स. एंड इम्पॉर्टेंस, ग्रोथ के टाइम पे जरूरत पड़ेगी तब जरूरी होगा. फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, अलग अलग फंक्शन है लेकिन कैसे इंटरडिपेंडेंट है, तो उनको परफॉर्म करने के लिए चाहिएगा. एंड थर्ड वन स्पेशलाइजेशन, जब हम स्पेशलिस्ट अपॉइंट करते हैं तो जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में हमारा क्या चांसेस रहते हैं कि मे बी कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए. तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए या हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा. क्लियर. अब हम लोग का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो आप सब लोग मिलके, सब लोग अपना अपना काम कंप्लीट कर लेना यहाँ तक का, मैं काफी धीरे धीरे चल रही हूँ. फिर इसके बाद अभी हम एक चैप्टर और लेंगे, देन हम लोग जो चैप्टर्स हो जाएंगे उनकी हम लोग केस स्टडीज एंड क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे. बट फर्स्ट हम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग क्या टारगेट लेके चल रहे हैं, कि हम लोग के नोट्स एक बार कंप्लीट हो जाए, देन वी विल डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस.